हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है 2023 जो है उसको रिलीज़ किया है। यहाँ पे तो भारत की रैंकिंग जो है यहाँ पे 42nd है। तो क्या है यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें अलग अलग इंडिकेटर्स जो है, जिस बेसिस पे जो है अलग अलग देशों को यहाँ पे रैंक की जाती है, उसको डिस्कस करेंगे। और देखिए यहाँ पे यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स क्या है यहाँ पे, और इंडियन गवर्नमेंट की जो अलग अलग इनिशिएटिव है उसके बारे में भी डिस्कस करें। तो देखिए फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली भारत ने इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 42nd रैंकिंग हासिल की है। और यहाँ पे देखिए 55 अलग अलग जो देशों के ऊपर एक्चुअली यहाँ पे ये सर्वे किया गया था यहाँ पे, तो उसमें भारत की रैंकिंग है 42nd। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे बहुत पीछे रहने वाली भी बात नहीं है। बिकॉज देखिए यहाँ पे 41st या फिर 40 रैंकिंग या फिर 43rd बहुत ही कम मार्जिन की डिफरेंस है, तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली यहाँ पे रैंकिंग को सुधारा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है, इसको यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर GIPC इसको ये जो है रिलीज करती है एनुअली, हर साल रिलीज करती है। तो देखिए इसको पहली बार जो है 2012 में स्टार्ट किया गया था। तो फर्स्ट एडिशन में जो है अलग अलग देशों के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग द एनवायरमेंट अलग अलग 11 देशों के ऊपर किया गया था यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक देश की जो इकोनॉमिक इकोसिस्टम है, यानी कि किस तरीके से यहाँ पे इकोनॉमी जो है यहाँ पे आगे बढ़ रही है, यहाँ पे उनकी कॉपीराइट्स पैटर्न ऐसे सिस्टम को यहाँ पे इवैल्यूएट किए जाते हैं बेस्ड ऑन 50 यूनिक इंडिकेटर्स। और यहाँ पे उस सिस्टम में अगर एक देश की यहाँ पे रैंकिंग अच्छी हो तो यहाँ पे माना जाएगा कि वो देश की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम बहुत ही इफेक्टिव है। तो यहाँ पे 50 जो है यहाँ पे यूनिक इंडिकेटर्स जो देखिए यहाँ पे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो पहले तो यहाँ पे जानना पड़ेगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है। तो देखिए सीधे तरीके से अगर समझेंगे तो ये क्रिएशन ऑफ माइंड है। आपने कुछ भी इन्वेंशन हो गई आपकी, आपके खुद से क्रिएट किया हुआ। मान लीजिए कि या जो मैं चैनल यहाँ पे बना रहा हूँ, ये मैंने जो है स्टडी राइज, ये मेरी खुद की क्रिएशन है, ये नाम मेरे खुद की है। यहाँ पे लोगो जो है ये मेरी खुद की है। तो ऐसे ही इन्वेंशन हो गई, चाहे वो लिटरेरी हो गई, आर्टिस्टिक वर्क हो गए, डिजाइन, सिंबल्स, नेम, इवन इमेजेस यूज भी होती है, या फिर कॉमर्स रिलेटेड सब कुछ जो है यहाँ पे उनको एक रिकॉग्निशन दिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये रिकॉग्निशन में यहाँ पे एक लीगल राइट दिए जाते हैं जो भी इन्वेंटर या फिर क्रिएटर होती है, ताकि वो अपने इन्वेंशन जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि फ्रॉड ना हो सके। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, जनरली जो भी मूवी बनाते हैं उसमें अलग अलग स्टोरी होती है, यहाँ पे गाने होते हैं, उसके म्यूजिक के ट्यून्स होते हैं यहाँ पे, उन लोग को भी कॉपीराइट किए जाते हैं। अगर देखिए कुछ भी अगर यहाँ पे अगर उनसे इंस्पिरेशन लेनी भी है, अगर वहां से कुछ रीमेक भी बनानी है, तो वहां पे प्रोड्यूसर या फिर डायरेक्टर की यहाँ पे परमिशन लेनी होगी। अगर नहीं लिया गया तो अकॉर्डिंग टू दैट बेसिस यहाँ पे ये लीगल राइट की वायोलेशन होगी। तो हर देशों के यहाँ पे अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो यहाँ पे सेवरल अलग अलग टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है, जैसे कि पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, तो अलग अलग जो इंडिकेटर्स। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए 9 मेन इंडिकेटर्स जो है एक इकोनॉमिक जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इकोसिस्टम में मेनली देखा जाता है। 9 मेन इंडिकेटर्स क्या क्या है? पेटेंट है, पेटेंट जनरली आपने कुछ बनाया उसका पेटेंट ले सकते हैं, कुछ आपके रिसर्च प्रपोजल हो गए उसके पेटेंट ले सकते हैं, कॉपीराइट जानते हैं आप, ट्रेडमार्क सिंबल जो होती है यहाँ पे, डिजाइन राइट हो गई, ट्रेड सीक्रेट्स हो गई यहाँ पे, देन कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ IP एसेट्स हो गई यहाँ पे, एनफोर्समेंट हो गई, सिस्टम इफिशियंसी हो गई यहाँ पे, एंड मेंबर्स एंड रेटिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज, ये भी जो है इस इंडिकेटर्स के अंदर ही आती है।
तो ये जो रिलीज करती है रिगार्डिंग यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो ये जो है वो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट बिजनेस फेडरेशन है, जो लगभग 3 मिलियन बिजनेसेस के इंटरेस्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। कुछ भी, भले ही वो किसी भी साइज हो गई, सेक्टर हो गई, या फिर किसी भी रीजन के हो गई, और यहाँ पे लोकल चैम्बर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन के हिसाब से उनको रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इसकी जो है स्थापना हुई थी 1912 में, तो लोकल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के हिसाब से तो अगर देखा जाए उस टाइम में जो प्रेसिडेंट विलियम हॉवर्ड टेफ्ट और सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स एंड लेबर जो है चार्ल्स नेगल के जो इनिशिएटिव में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो है शुरू हुई थी, ताकि यहाँ पे देखा जा सके कि कोई भी चीज़ें जो किसी ने भी किसी भी चीज़ों को इन्वेंट किया है, उसको स्टार्ट किया है, उसमें जो है इलीगल तरीके से उसको कॉपी ना कर ले। तो देखिए इसके हिसाब से अगर देखा जाए इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इनिशिएटिव लिया है रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो पहले नंबर पे यहाँ पे आ सकता है इंडियन पेटेंट एक्ट ऑफ 1970। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे जो है यहाँ पे मेंशन किया कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे किसी भी नियम के वायलेट करेंगे तो वो लीगली पनिशेबल हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी 2016, और भारत जो है एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन उसका मेंबर भी है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रीटीज और कन्वेंशन जो आईपीआर के साथ रिलेटेड है उसमें भी इंडिया यहाँ पे जो है अपने व्यू पॉइंट रख सकते हैं। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023। तो रिसेंटली यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने उसको रिलीज किया है रिपोर्ट में, और भारत की रैंकिंग जो है यहाँ पे 42nd। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।